नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीशा भागवतुला है। वाओ, बहुत ही यूनिक नाम है आपका। आप कहाँ से आई हैं? मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। ओह वाओ, आंध्र प्रदेश। इससे पहले आपने किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी, किया है। जब मैं 8 साल की थी तब मैंने पहली बार गाया है, और उस शो के होस्ट और जज SP बालसुब्रमण्यम सर थे। फॉर्चुनेटली मुझे इस ईयर मार्च में उनके साथ गाने का अपॉर्चुनिटी मिला था। वाह, तो आपने गा लिया उनके साथ। इस मार्च में एक शो होने वाला था जिसमें मैं बालू सर के साथ गाने वाली थी, और लकीली उसका रिहर्सल भी हुआ था। गाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा गाया ऐसे बोले थे, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण सब कुछ पोस्टपोन हो गया था। ये शो होने वाला है तो ज़रूर गाऊंगी ऐसे सोच रही थी, पर उसी बीच बहुत कुछ हो गया। एक्चुअली हम सब बहुत बड़े फैन रहे हैं SBB सर के, और मुझे लगता है उनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है। SBB सर के साथ में वक्त बिताना, क्योंकि शेखर और मैंने भी उनके साथ में एक गाना किया है, उस रिकॉर्डिंग की अगर मैं आपको कहानी सुनाऊं कि हमने जब उनको गाना दिया तो उन्होंने नोटेशंस गाने के पूरे लिखे, सरगम लिखे गाने की, 1 घंटा रिहर्स किया, फिर उसके बाद हमें बुलाया, फिर पूरा गाना गाया। नॉट कि जैसे होता है ना कि ये लाइन सर पंच कर लेते, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, वन टेक। क्या गुड लक श्रीशा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Did you get emotional? SP बालसुब्रमण्यम जी बिल्कुल याद आ गए। क्या सिंगर हैं, क्या चित्रा जी ने गाया है ये गाना, क्या आनंद मिलन जी ने कंपोज किया है, क्या ब्यूटीफुल तुमने इसको यहाँ पर निभाया है, बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सो मच। श्रीशा, पूरा गाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्पेशली जब वो लाइन आई ना, दिल को संभाल ला 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 ला, वो जो पूरा चंक आपने लिया ना, इट वाज सो परफेक्ट। फॉर मी इट्स अ यस। थैंक यू मैम।
मेरी तरफ से डबल यस है। थैंक यू सो मच सर। आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सो फॉर व्हाटएवर सो मेरी तरफ से भी यस, आई वुड लव टू सी यू इन अनदर राउंड। थैंक यू। थैंक यू। ये जो श्रीशा बोल के गई है एसपी सर के बारे में, एसपी सर वाज एन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। आई मीन कितने गाने, कितने लेजेंडरी गाने, और ऐसे गाने की मतलब आप एक लाइन गा दो, एब्सोल्युटली सुनने वाला कंप्लीट कर देगा। दे जस्ट लिमिटलेस सॉन्ग्स। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फेवरेट कौन सा है हिमेश? आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो किस बात की है लड़ाई? ए चार, आप चलो। मैं विशु, आप चलो। Absolutely, SP sir. इधर। 3, 2, 1, action. नमस्कार, प्रणाम, हम बानी आकाश दुबे, हम आयल बानी गोरखपुर से, और हमारा उम्र बात 23 साल। सुनो सुनो दुनिया वालों, ये रिश्ता बड़ा निराला है, दो बंदों की स्टोरी है। पापा मेरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वेल मेंटेन करके चलते हैं, और मेरी चीज उतनी ही बिखरी हुई रहती है। वो फोर्स में है, तरीके से रहना जानते हैं, आज भी वो बहुत फिट है, तो सारी चीजें बच्चे में देखना चाहते हैं कि मतलब मैं फिट हूँ, तू क्यों नहीं हो सकता। क्या बताएं हम कितना परेशान है। एक बात तो सच है कि मैं इतना ज्यादा बदमाश हूँ कि उनको मतलब मुझे सही करने उनको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, तो उसमें उनकी कुछ गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अपनी अलग ही शान है। आकाश अपनी माँ का नर्मला बेटा है, उन्होंने इसको खराब कर रखा है। आप तैयार हो? जी सर। ओके गो। रंग के चढ़या ते मेरी रूह विच यार समाया। क्या बात है, बहुत अच्छी। हुआ सजना गल वखड़ी पावे है हो अज दिन मिलड दा आया अज दिन चढ़िया अज दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा फूल सा है खिला आज दिन ओ रब मेरे दिन ना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले तेनू दिल दा वास्ता ओ रब आया दर्द गार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता अज दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा
मांगा जो मेरा है चाहता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली, चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको बता, जीती रहे सल्तनत तेरी जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी तेनु दिल दा वास्ता, ओ रब्बा ये दर्द गार के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनु दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा, दिन चढ़िया तेरे रंग वरगा, अज दिन चढ़िया थोड़ा सा शौक तुम है क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इतनी अर्बन साउंडिंग आवाज, रंग शकेदा आपकी आवाज में एक बेहद फ्रेशनेस है, वेरी वेरी फ्रेश ब्यूटीफुल वॉइस। सर मेरा नाम है दानिश, मोहम्मद दानिश। आप कितने साल के हैं? 23 इयर्स मैम। आप क्या गाने वाले हैं? मैम छैया छैया। अरे क्या, अरे वाह, सही है फिर। 3, 2, 1 साउंड। हे दाही मेरा यार नैया, हुए ओ दे दम दी, इश्क तेरा मेरे अंदर कीता भर के प्रेम पियाला पीता, आज सजना नहीं ते मैं मर गईया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। गुलवोश कभी तुराए कहीं महके तो नजर आ जाए, तावीज बना कर पहनू से आयत की तरह मिल जाए कहीं, गुलफोश कभी तिराए कहीं महके तो नजर आ जाए, वो यार है जो ईमा की तरह मेरा कलमा वही मेरा नगमा वही मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा यार मिसाले। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 रे छैया, थैंक यू सो मच। आपने कमाल गाया है, फ्लॉलेस गाया है, सीधा दिल को लगने वाला गाना दिल पे लगा, तीर निशाने से छूटा लेकिन सीधा दिल पे लगा, बोल जाए। आइए आइए टिकट ले जाइए, बिल्कुल ले लो भाई, गोल्डन टिकट ले लो, जबरदस्त। देखो मोन काश बोन
तुलछे जे शारी कमी ठक तेबे डाक दिन गुंछे जे तारी बोलो बोलो दुगाइलो 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 बोलो बोलो दुगाइलो दुगाइलो दुगाइलो। मेरा नाम है अरुणिता कांजीलाल, मैं कोलकाता बनगांव से हूँ, मैं 17 साल की। मैं बचपन से क्लासिकल सीख रही हूँ, सब तरह की म्यूजिक गाती हूँ। मेरे पहले गुरु हैं मेरी माँ और उसके बाद मामा जी के पास सीख रही हूँ अभी भी। मैं ज्यादातर घर पे ही रहती हूँ मम्मी के साथ। मम्मी के साथ खाना बनाना, उनको हेल्प करना, घर के ऑलमोस्ट सब काम आते हैं। सुबह की धूप पे इसी की दस्तखत है, इसी की रोशनी उड़ी जो हर तरफ है। कल का जो बच्चा है ना, वो इधर उधर करते है, यार दोस्त रहता है, वो उसका नहीं है, उसके दोस्त में ही। ये लम्हों के कुएं में रोज झांकती है। अड़ोसी पड़ोसी में जो रहते हैं उनके साथ मेरा बहुत जमता है। कौन, पड़ोस के बच्चों के साथ? नहीं नहीं, बच्चों के साथ नहीं, पड़ोस में जो आंटियां रहती है उनके साथ बहुत जमता है। अरुणिता तो दोस्त जैसी है, गॉसिप करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो रेसिपी शेयर करते हैं। उम्र में कम है लेकिन माँ से बड़ी है, जो आंटी जैसी है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका गाना सुना तो दिमाग खुल जाएगा। ऐसे सरगम सुनाए, खुद इसके सुर है इसके राग रे। मेरे जैसे न्यू कमर्स के लिए इंडियन आइडल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ आके मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा जो सपना है प्लेबैक का वो पूरा हो सकता है। ये पानी है, ये आग है, ये खुद लिखी किताब है प्यार की। आइए, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरुणिता कांजीलाल। अरुणिता, आप कहाँ से आई हैं? मैं कोलकाता से हूँ। कितने साल की हैं? मैं 17 साल की हूँ। 17 साल जी। आप क्या गाने वाली हैं आज? मैं आज एडी पवन गाने वाली हूँ। ओह वाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुर ले लीजिए। पहली बात, मुझे आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगी है, आपका थ्रो बहुत अच्छा है। थैंक यू।
मुझे ना आप बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही हैं, बहुत डरी हुई लग रही हैं आप, और आप बहुत छोटी भी हैं तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा आपको मुझे लगता है। तो मैं एक्चुअली चाहूंगी कि आपको एक और चांस दिया जाए, बाकी दो जजेस आपको बताएंगे, बट मेरी तरफ से यस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। घबराई तो आप होंगी, हमारा काम ये, हमारा मकसद ये कि उस घबराहट से आगे देखकर आपकी पोटेंशियल को जांचना है। आपकी आवाज में वो हर क्वालिटी है जो एक क्लासिक बॉलीवुड सिंगर में होनी चाहिए। आई थिंक यू डेफिनेटली डिजर्व अ चांस। थैंक यू सो मच। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे सर। कैसे हैं जी राधे? क्या नाम है आपका? ध्रुव शर्मा। ध्रुव शर्मा, करते क्या हैं आप? मैं अभी वृंदावन में बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा दे रहा हूँ। वाओ, तो आपने ट्रेनिंग ली है? मैंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन 4-5 साल पहले। मतलब मैं जब 13 साल का था मैंने ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी। ओके। मेरे गुरु हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब। ओ। दिल्ली घराने के खलीफा हैं, दिल्ली घराने की शान है। वाओ, तो उसके बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया उनसे सीखना? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई घराने में मुझे लेकर, और तो उस्ताद जी ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं जी? मेरे को म्यूजिक से ज्यादा अटैचमेंट मेरे उस्ताद से थी, उस्ताद से है। मैंने 5 साल लगातार उनसे सीखा, तो ऐसा रिश्ता हमारा बन गया जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है, उससे भी कहीं गहरा रिश्ता। तो स्कूल मिस कर करके घर पे ना बता के आई यूज्ड टू गो टू माय म्यूजिक क्लासेस। फिर कुछ ऐसा सीन हुआ कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करा उनके पैरों में गिर के कि मेरे को आपके साथ रहना है, मेरे को आपके पास रहना है, मतलब मेरे को क्यों आप अलग कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता सर, जैसे अगर आत्मा शरीर में से निकल जाए ना, कोई जान नहीं रहती ना, वैसे मैं फील करता हूँ अभी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो आपकी जो एक्चुअली गुरु भक्ति है वो मैंने देखी नहीं है ऐसी कभी। इट्स सो ब्यूटीफुल सर। हाँ। इससे पहले कि हम कुछ और कहें, इससे पहले आप परफॉर्म करें, सबसे पहले हम आपकी किसी से बात कराना चाहते हैं। जो नादानियां हो चुकी हैं या तेरे दिल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पड़ गई है किसी वजह से, उसको मैं चाहूंगा कि तू अपने दिल से साफ कर दे, क्योंकि तू हमारी औलाद, हमारे यहाँ शागिर्द को औलाद समझते है। ये बच्चा, अल्लाह इसको कामयाब करे, खुदा इसे कामयाब करे। ये इंडियन आइडल में आया है एक मकाम बनाने के लिए। सरस्वती माँ, सरस्वती माँ का इस पर वरदान रहे, उनका आशीर्वाद मिले और ये कामयाब हो, मेरी दुआ इसके सामने। उस्ताद जी मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझसे कोई भी गलती हुई हो। मैं तुझको बेटा दिल से माफ करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू उस्ताद जी, थैंक यू। आपने हम सब की शोभा बढ़ाई है, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आप अपने गुरु का नाम लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और शुरू हो जाइए। प्रणाम उस्ताद जी। लेट्स गो।
हो पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुम्ही हमका हो संभारे तुम्ही हमरे रखवारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं चंदा में तुम्ही तो भरे हो चांदनी सूरज में उजाला तुम्ही से ये गगन है मगन तुम्हें तो दिए ओ इस तारे भगवान ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे हो पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं हमरी उलझन सुलझाओ भगवान तुमरे बिन हमरा कौन नहीं इंडियन आइडल में इस बार जहां कंटेस्टेंट्स की सिर्फ है एक ही चाह और एक ही राह गोल्डन टिकट वहीं हमारे जज एचआर को है तलाश एक खास इंसान की धुरंधर भाटावड़ेकर का नाम सुना है इतना बड़ा गवैया था महान गवैया है बहुत ग्रेट सिंगर थे सच्ची में थे धुरंधर भाटावड़ेकर का नाम सुना है नहीं सर मैंने तो नहीं सुना नहीं सर तो फिर क्या सुना है आपने इस गली में गा दे जब वो गाता है ना मोहल्ले का मोहल्ला खाली हो जाता है ये अच्छी बात क्यों है मेरे समझ में अब तक ये बात नहीं हाउ कैन दिस बी अ गुड थिंग कि मोहल्ला खाली हो जाता अरे क्या बात है नमस्कार जी नमस्कार सर आपका नाम क्या है जी धुरंधर भाटावड़ेकर उड़ गए और आप ना ही सिर्फ ये शो आप पूरा जहान आप पूरी दुनिया जीत चुके हैं टू गुड एक मिनट धुरंधर साहब ये नहीं हो सकता नो सर मैं ही हूँ धुरंधर भाटोड़कर आप काफी समय से पूछ रहे थे ना आई एम ऑलवेज हियर आपने इतना याद किया कि धुरंधर भाटोड़कर वो सिंगर था बेटा यस सर खाली कर देता था मोहल्ले को मोहल्ले का मोहल्ला खाली हो जाता था आप वही हैं जिसकी दुनिया दीवानी है या ऑफ कोर्स एनीवे भाटावड़ेकर साहब आप क्या गाने वाले हो आज कुछ क्लासिकल एकदम बंदिश टाइप का सर हम मोह मोह के धागे गाने वाले हैं अरे भाई धुरंधर भाटावड़ेकर वो मोह मोह के धागे ऐसा गाता था कि मोहल्ले का मोहल्ला खाली हो जाता था अभी पूरा माहौल बन जाएगा सर सुना दो ओके सर आ गए भाटावड़ेकर साहब धुरंधर भाटावड़ेकर का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता मेरे दोस्त तुम वो मेरे हाथ के लड्डू आज खा कर जाओगे ऑफ कोर्स सर भाई इनको लड्डू खिला दो यार हाय हाय धुरंधर लड्डू वाह 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 मेरे धुरंधर भाटावड़ेकर हाँ ये बात है
गया यार। अरे रे रे रे, ये क्या, ये घोर अपमान, घोर अपमान। बहुत कड़वा है मैम, बहुत ज्यादा कड़वा है। तो क्यों खाए जा रहे हो? नहीं मैम, बहुत ज्यादा कड़वा है ये। तो फिर क्यों खाए जा रहे हो? आप बहुत क्यूट हो। ओके सर। और धुरंधर भाटावड़ेकर इतना क्यूट नहीं था। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने का, हमारा मनोरंजन करने का। हम आपको दिल से सलाम करते हैं। इस वक्त आपकी गायकी तैयार नहीं है, लेकिन आई एम श्योर अगले एक दो साल में फिर किसी ऑडिशन में जरूर मिलेंगे। ओके सर। लेकिन मुझे एक बात बताओ जाने से पहले, सच तुम्हारा नाम सचमुच धुरंधर भाटावड़ेकर है? यस सर। जाओ। तुम क्या कर रहे हो भाई? सर मैं मेरे एक दोस्त को सपोर्ट करने आया हूँ आज यहाँ। वाओ। लास्ट ईयर हमारे वाले सीजन में इस दोस्त ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खुद बहुत अच्छा सिंगर है। अच्छा। और पता नहीं ये लॉकडाउन और कोविड की वजह से तो सब लोग घर पे ही बैठे थे, सो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था ये। जिस मंच ने मुझे इतना कुछ दिया है, वो मंच के वजह से और मेरी वजह से अगर किसी एक को भी मैं सपोर्ट कर पाऊँ तो आई गेस, मतलब अपने स्कूल से हम लोग जाते हैं ना कि स्कूल से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन स्कूल के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। सो दिस इज माई थिंग दैट आई एम डूइंग फॉर माई स्कूल। सो बुलाओ उसको। नची। बिफोर यू स्टार्ट सिंगिंग आई वांट टू थैंक रोहित, बिकॉज मैंने देखा है पिछले 6 महीनों में लोगों का संतुलन डामाडोल होते हुए। इस मौके पे हम सबको एक दूसरे के दोस्त बनना बहुत जरूरी है, और जो रोहित ने किया वो हम सबको अपने दोस्तों के लिए करना बहुत जरूरी है। सो आई वांट टू सैल्यूट दैट। आज जो भी हो डजंट मैटर, बट सिंग फ्रॉम योर हार्ट। ओके, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। गुड लक। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया। नचिकेत, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो अपनी प्योरिटी से दिल जीत जाती हैं। ना आपने कुछ ज्यादा खिलवाड़ किया, ना कुछ शो ऑफ करने का ट्राई किया कि कॉन्टेस्ट है, मैं प्रेशर लेके कुछ ये करता हूँ, वो करता हूँ, कर्तव्य दिखाता हूँ अपने। आपने गाने के साथ में पूरी सच्चाई के साथ, सादगी के साथ, ईमानदारी से गाना गाया है। True. आप बिल्कुल सही सीजन में आए हो इंडियन आइडल के। यू नो व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम जो है ना मौसम को ऑसम कर रहे हैं। ओके, आप अपनी आवाज से अपनी जिंदगी का मौसम 100% ऑसम कर सकते हो। यू आर रियली रियली गुड। आई रियली थरली एंजॉय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए नहीं करना चाहिए लेट। नचिके शॉर्ट शॉर्ट सुरों के सरताज
को सिलेक्ट कर लेना चाहिए नचिकेत। थैंक यू सो मच। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, यहाँ पे हमारे रोहित तो आए हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि रोहित और विशाल ददलानी की परफॉर्मेंस हो जाए। Why not? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.